पहले तो कंग्रेचुलेशन, ये जो आपकी नई वैनिटी है जिसमें आपने योगा के लिए भी एक जगह बनाई है, वो फैंस को बहुत पसंद आ रही है कि शिल्पा शेट्टी कुंद्रा कहीं भी हो, योगा उनसे दूर नहीं होता है. सो कंग्रेचुलेशन टू यू. मैंने यो थैंक यू सो वेरी मच. आई डू नॉट डू योगा. आई यूज योगा एज माई लाइफ स्टाइल. इट्स बिकम माई लाइफ स्टाइल. तो योगा हैज बिकम अ पार्ट ऑफ मी. सो इट्स इट हैज टू बी. आई जस्ट हैड टू मेक अ लिटिल मोर स्पेस. दैट्स वाई द लिटिल योगा डेक हैपेंड ऑन टॉप ऑफ माई वैनिटी. बट मैं जानना आपसे ये चाहता हूं कि ये शुरू कैसे हुआ, इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन रहा या फिर यूं ही शुरू हो गया? हाँ, मैं एक्चुअली एक इंजरी से जूझ रही थी. आई हैड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अराउंड 18 20, आई थिंक 20 ईयर्स अगो, वाइल वर्किंग आउट. और मैं फिजियो कर रही थी. तब फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं भुजंग आसन करूँ और थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग के लिए योगा सीखना शुरू करूँ. तो तब की बात और अब की बात. अभी मैं योगा एडिक्ट हो गई हूँ एंड I feel very happy that I'm able to play catalyst in people's wellness journey through yoga. मेरी जिंदगी में बहुत सारे changes मैंने महसूस किए and I just felt कि जब भी मुझसे लोग पूछते थे कि आप अपने आप को ऐसे maintain कैसे करती हैं और where do you get your strength from, आप हमेशा इतनी positive कैसी हैं, तो घूम फिर के बात योगा तक ही आती थी एंड उसका बहुत सारा श्रेय योगा को जाता है. And I really feel that I'm able to do all these things and dabble with all these different roles because I feel aligned, तो mind body soul का connection होना और alignment का होना बहुत जरूरी है. मुझे ऐसे लगता है कि हम थोड़े से बिखर गए हैं and especially after COVID. तो ये जो journey रही है मेरी yoga के साथ वो वहां से शुरुआत हुई and today this new improved version, this 2.0 version of Shilpa Shetty is because of yoga.